देखा तुम लोगों ने, इस बार भी मैं जीता हूँ। मेरी कार तो हमेशा फर्स्ट आती है। बार बार एक ही रेस करके हम लोग बोर हो चुके हैं, क्यों ना हम कुछ और ट्राई करें? क्यों दोस्तों, बोलो क्या ख्याल है? आइडिया अच्छा है, और इसीलिए मैं तुम सबको एक खास चीज दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहते हो तुम? हमें यही दिखाना चाहते थे? नहीं जियान, ये नहीं। मैं मिनी फोर व्हील्स को बनाने के लिए बिल्कुल बेताब हूँ। इन्हें दोबारा बनाने के लिए मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकता। दोबारा? मिसाल के तौर पर ये एक डेकोरेशन मिनी फोर व्हील है, मैंने इसके अंदर बैटरी डाल दी है और जब तक बैटरी चलेगी इसकी लाइट चलती रहेंगी, समझे? मतलब सुनियो, हम फिर से फोर व्हील्स बनाएंगे। मजेदार लगता है। और अगला है फ्लोटिंग फोर व्हील और फिर ग्लाइडर फोर व्हील। अगर मैं इसे सेकंड फ्लोर की विंडो से धक्का दूं तो ये अपने आप उड़ता है। मेरे ख्याल से तुम सबको भी इसे ट्राई करना चाहिए। मुझे पता है कि तुम लोग ये कर सकते हो। पर सुनियो, मेरे पास तो फोर व्हील है ही नहीं। कोई बात नहीं जियान, तुम मेरी कलेक्शन में से एक कार ले लेना। क्या सच में? लेकिन नोबिता, मैं तुम्हें कोई कार नहीं दूंगा, समझे तुम? बेचारा। ये सरासर गलत है। अगर मेरे पास फोर व्हील्स होती तो मैं तुम सबको दिखा देता कि मैं कितनी अच्छे तरीके से बना सकता हूँ। समझ गए तुम लोग? रुको नोबिता। बेकार में नाराजगी दिखा के चला गया। चलो इसी बहाने से हमें पता तो चल जाएगा वो। सुनियो, अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है ना? मैं भी उसे दिखा दूंगा कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। मैं घर आ गया। मुझे मिल गया। अब मैं उस सुनियो को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये नोबिता आखिर कर क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। अरे इसके तो पुर्जे अलग हो गए हैं। मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है। क्या तुम इसे ठीक करने वाले हो? डोरेमोन। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तो प्लीज अपना रोना बंद कर दो। लेकिन मैं इसे दोबारा कैसे बनाऊं? ये देखने में वैसी ही है लेकिन पावर और स्पीड अलग है। ये एक ही झटके में 40 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जा सकती है। देखो, ये तो बढ़िया है। और ये है मैजिकल स्क्रू ड्राइवर। इसे बड़ा करने के लिए बिग लाइट का इस्तेमाल करो जिससे कि इस पे काम करना आसान हो। और फिर उसके बाद हम स्मॉल लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि वो वापस नॉर्मल साइज में आ जाएगी। इसका इस्तेमाल करना समझ गए ना? हाँ। और अगर मैं अपने आप को भी श्रिंक कर दूं तो मैं उस कार को ड्राइव कर सकता हूँ। वाह नोबिता, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, ये तो बिल्कुल एक असली जीप लग रही है। मैं यहाँ से काम शुरू करता हूँ। अब हमारा इस पर काम करना बहुत आसान हो जाएगा। ये कितनी हल्की है क्योंकि एक हाथ सलाई से बना है। ब्रेक फिट करनी होंगी, फ्रंट व्हील्स को हैंडल से कनेक्ट करना होगा और मेरे सीट के सामने सॉफ्ट कुशन लगाने होंगे। बहुत काम है और मेरे पास वक्त भी कम है। हो गया। देखो तुम्हें कैसा लग रहा है? पता है मैंने हेडलाइट्स में बिग लाइट और स्मॉल लाइट लगा दी है। क्या? तो अब तुम इसे इसके नॉर्मल साइज में कैसे वापस लाओगे नोबिता? मैं तो भूल ही गया, अब मैं इस जीप को बाहर कैसे चला पाऊंगा? आइडिया, मैं भी आया डोरेमोन। ये देखो। अब तुम इसके साथ क्या करोगे? हम इसका इस्तेमाल लाइट को रिफ्लेक्ट करने में करेंगे, ठीक है ना? मेरी मदद करो। ओह तुम्हें अब समझा, ये इतना दिमाग कभी कभी अपने होमवर्क में क्यों नहीं लगा लेता। मैं तैयार हूँ। मैं टेस्ट ड्राइव लेकर देखता हूँ। सुनो, तुमने एक्सेलरेटर को ज्यादा ही तेज दबा दिया है। बोलो। ये तो बढ़िया है, जब मैं सुनियो को ये दिखाऊंगा तब मजा आएगा। देखो तुम्हें शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? लेकिन मैं सुनियो से हारना नहीं चाहता। मैं जा रहा हूँ। ध्यान से जाना। न जाने क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वाह कितना मजा आ रहा है। यहाँ लग रही है। अच्छा मेरा पीछा कर रहे हो, आओ आओ मुझे पकड़ो। हे सुनियो, ये तो कमाल का है। इसके लिए थोड़ा बहुत स्किल जरूरी है क्योंकि ये सारा रेस कोर्स हमारे पूरे यार्ड से होकर जाता है। जियान, माना पड़ेगा तुमने एक शानदार रेस कोर्स बनाया है। चलो जियान, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, शुरू करते हैं। सबसे कम टाइम में वाइंड अप करने वाला ही विनर होगा। ओके, मुझे मंजूर है। तो चलो शुरू करते हैं। गो। हे तुम्हारी कार को क्या हुआ? जरा देखते जाओ।
ट्रिक ये है जियान के मोड़ से पहले कार की स्पीड को कम करना पड़ता है। अगर तुम रेस कोर्स से अलग हुए तो तुम्हें रीस्टार्ट करना होगा। क्या कहा तुमने, फिर से कहना चाहोगे? सुनियो। अच्छा जैसा इसे स्टार्ट करना चाहते हो तो करो। मैंने यही सोचा था। हम पॉन्ड क्रॉसिंग पर पहुंचने ही वाले हैं। हाँ। गो। देखना सुनियो, मैं जीतूंगा। ये गलत है, तुमने मेरी कार को टक्कर मारी है। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, कोई प्रॉब्लम है क्या इससे तुम्हें? लेकिन ये गलत बात है जियान। अरे अरे वो क्या है? ये तो फोर व्हील्स है। ये तो नोबिता है। नोबिता, वो कौन था जिसने कहा था कि मैं फोर व्हील नहीं बना सकता? बोलो। मैं इस जीप को चला भी सकता हूँ और इसे बना भी सकता हूँ, क्यों क्या ख्याल है दोस्त? अरे अरे। भागो! कोई मेरी मदद करो प्लीज, कोई सुनो। नोबिता, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। अरे फोर व्हील्स कहाँ है? वो क्या हुआ कि क्या फिर से गड़बड़ हो गई है? कोई बात नहीं, हम उसे वापस ले लेंगे, पर सबसे पहले उसे ढूंढना होगा। हाँ तो फिर चलो ना। ओह, तो फोर व्हील्स यही कहीं गिरी है ना? हाँ डोरेमोन, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अरे वो रही, मुझे मिल गई, मुझे मेरी जीत मिल गई। और रेविती जियान, ये मैच डिसाइडिंग मैच होगा। हाँ मजा आया, चलो अब घर चलें। नहीं रुको, कोई और भी है जिसे मैं ये दिखाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बात समझ गए हो? समझ गया। शिज़ुका, बाहर आओ और मेरी फोर व्हील देखो। कहाँ, तुम कहाँ हो नोबिता? यहाँ नीचे। रुक जाओ शिज़ुका। हमारे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? लेकिन डोरेमोन, मैं ये शिज़ुका को दिखाना चाहता था।